रात 12:30 बजे डाइवर्ट कर दिया गया था अहमदाबाद के लिए। मुंबई से ये फ्लाइट निकली थी दिल्ली के लिए, फ्लाइट संख्या 6651, जिसमें बम की धमकी मिलती है। 12:30 बजे उसे अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंड करवाया जाता है। सीआईएसएफ की टीम पहुंचती है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचता है, सिक्योरिटी स्टाफ जांच में जुटी हुई है। अभी भी जो यात्री है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही इंतजार कर रहे हैं। 7:30 बजे के लिए फ्लाइट को रीशेड्यूल किया गया था, लेकिन अभी तक दूसरी फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी है। ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। जो सामान है उसकी बार बार स्क्रीनिंग भी की जा रही है, क्योंकि लगातार ये कोई पहला मामला नहीं है जब इंडिगो फ्लाइट को इस तरीके की धमकी मिली है। इसके पहले भी कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन्हें बम होने की खबर दी गई, धमकी दी गई, उसके बाद उनको या तो डाइवर्ट किया गया या इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुंबई से भी ये फ्लाइट 12:30 बजे दिल्ली आने वाली थी, लेकिन इसे अहमदाबाद में ही उतारा जाता है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है और उसके बाद स्क्रीनिंग की जाती है, जांच की जाती है। कई एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचती है रनवे पर ही, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। और इसी के साथ जो यात्री है उनको लेकर के भी आपको जानकारी दे दें कि अभी तक इस फ्लाइट को रीशेड्यूल कही करे जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि सभी यात्रियों को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही रखा गया है। उनके सामान की स्क्रीनिंग की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, रनवे की तस्वीरें, सुबह की ये तस्वीरें हैं, जहाँ भी बसेस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर है। दो तस्वीरें ये दिखा रहे हैं, एक तस्वीर एयरपोर्ट अहमदाबाद की है जिसमें यात्री फ्लाइट संख्या 6651 में अंदर है, इनको की फ्लाइट है ये, और उन्हें जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है उन्हें बताया जाता है कि टेक्निकल फॉल्ट है। इसके बाद अहमदाबाद डाइवर्ट किया जाता है, उतारा जाता है और सामान की जो स्क्रीनिंग होती है उसके बाद पता चलता है कि बम होने की खबर मिली थी। दूसरी तस्वीर, जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है एम्बुलेंस से लेकर के बसेस तक पहुँचा दी जाती है और इसी के साथ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें भी भेजा जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बम स्क्वाड सीआईएसएफ की टीम मौके पर, इंडिगो फ्लाइट संख्या 6651 की इमरजेंसी लैंडिंग। और इस इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद थे। आप देखिए, सीआईएसएफ के कई ऑफिसर्स अब फील्ड पे आ चुके हैं। बॉम्ब थ्रेट की यहाँ पर खबर सामने आई। इसके अलावा हम जैसे ही लैंड करते हैं तो जलने की बदबू आने लगती है। क्या बात है अभी तक ये नहीं बताया जा रही है, क्योंकि यात्रियों को ये नहीं बताया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जवान है वो दिखाई दे रहे हैं हथियारों के साथ, और अब यहाँ पर चेकिंग की जाएगी कि आखिर परेशानी क्या थी, क्योंकि कैप्टन ने अपने सूझबूझ से दिमाग कैप्टन ने काफी होशियारी के साथ लैंड कराया, और जब लैंड कराया गया तो देखा गया था काफी नीचे लैंडिंग कराई गई थी। फिलहाल लोग को डीबोर्ड किया जा रहा है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, प्रगति की आवाज आप सुन रहे थे, और अभी फिलहाल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और अभी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुंबई की, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की बात करते हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, इसी के बाद से लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम अब जब सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम अब जब सामने आ रहा है, तो क्या वो मुंबई में भी अपना साम्राज्य बड़ा करना चाहता है? नॉर्थ इंडिया के बाद क्या वो साउथ में, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कब्जा करना चाहता है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले की अगर हम बात करें तो 3 महीने पहले मुंबई पुलिस के द्वारा यह कहा गया था कि सलमान खान तो सिर्फ बहाना है, दरअसल मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपनी धाक जमाना चाहता है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। चौदह जुलाई को मुंबई की मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1736 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए शूटआउट को लेकर थी। सलमान खान के घर गोली चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था, और इसी चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने लिखा था सलमान को धमकी तो एक बहाना है, असल में लॉरेंस बिश्नोई पूरे मुंबई में राज करना चाहता है, यानी वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल चाहता है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद दो सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या इस कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग है या फिर कोई और? दूसरा, अगर लॉरेंस गैंग ही इस कत्ल के पीछे है तो निशाना बाबा सिद्दीकी ही क्यों? बाबा सिद्दीकी की हत्या में पकड़े गए आरोपियों और फरार आरोपियों को लेकर मुंबई पुलिस ने जो कड़ियां जोड़ी हैं, वो फिलहाल यही इशारा कर रही हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है। असल में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश हुई और उसे अंजाम देने में मुंबई पुलिस ने कुल 6 लोगों की शिनाख्त की है। इन 6 लोगों के नाम है गुरमेल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, मोहम्मद जिशान अख्तर, प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर है।
इनमें से तीन गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोनकर फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, जबकि बाकी तीन यानी जिशान अख्तर, शुभम लोनकर, शिवम कुमार गौतम फिलहाल फरार है और उनकी तलाश जारी है। जो तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे मुंबई पुलिस की पूछताछ में इन छह किरदारों की अलग अलग रोल की जानकारी मिली। मुंबई पुलिस की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है उसमें साफ है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए ऐसे शूटर चुने गए जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। दरअसल अब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार नहीं होती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में अभी भी डी कंपनी की मौजूदगी है और लॉरेंस बिश्नोई इस डी कंपनी के पैरेलल में अपनी एल कंपनी बनाना चाहता है। अब सवाल है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस का ही हाथ है, तो सवाल ये उठता है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने ना तो कभी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी और ना ही बाबा सिद्दीकी से कभी उसकी दुश्मनी रही। सिर्फ सलमान खान का दोस्त होने की वजह से उसने बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाया, तो ये वजह हजम नहीं होती। तो फिर बाबा सिद्दीकी ही निशाने पर क्यों थे? गैलेक्सी शूटआउट में पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें लॉरेंस के बारे में जो लिखा था, क्या उसी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई? चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस मुंबई चाहता है, मुंबई पर कब्जा चाहता है, तो क्या मुंबई पर अपनी पैठ बनाने के लिए लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाया? दरअसल बाबा सिद्दीकी राजनीति, सरकार और पुलिस में ठीक ठाक दबदबा रखते हैं, बल्कि वो बॉलीवुड में भी उतने ही मशहूर है। अब ऐसे किसी आदमी को निशाना बनाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में आसानी से अपनी दस्तक दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी बता देते हैं, क्योंकि अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और मुंबई में दहशत पैदा करना इनका मकसद था, ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और इसी से मुंबई अंडरवर्ल्ड जोड़ करके देखा जा रहा है। अंडरवर्ल्ड और दाऊद को संदेश देना कहीं ना कहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह रहा। बिल्कुल, देखिए शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी, ये भी जांच में पता चल रहा है और इसके अलावा 28 दिन में 5 बार रेकी की गई है, ये भी क्राइम ब्रांच की टीम ने पता लगाया। तो सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की गई है, इसके बारे में जानकारी मिली है, क्योंकि 40 दिन तक शूटर्स वहीं थे, हमले के हथियार पंजाब से लाए गए थे और पंजाब से जो कनेक्शन है वो भी निकल करके शूटर्स का सामने आया था। और देखिए 9 mm पिस्टल पाकिस्तान या फिर नेपाल से पहुंची थी, पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है और नेपाल से भी खबर मिल रही है कि हो सकता है वहां से हो। और शूटर्स के पास 3 मोबाइल जो है वो भी बरामद किए गए हैं, उसके जरिए भी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि किस किस से कॉन्टैक्ट इस दौरान किया गया है। शूटर्स के पास से जो मोबाइल फोन मिला उसमें कई ऐसे नंबर है जिन्हें बिना सेव किए डायल किया गया था, इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कब्जे के लिए ये हत्या की गई थी। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब भारत के पड़ोसी देशों के। देखिए चीन और पाकिस्तान वैसे तो भारत के पड़ोसी देश है, लेकिन जब भारत तरक्की करता है, भारत आगे बढ़ता है, भारत में विकास होता है, तो सबसे ज्यादा चिढ़ और दिक्कत इन्हीं दोनों देशों को होती है। और अब ऐसे में जब एससीओ की मीटिंग हो रही है तो एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना कहीं ना कहीं दोनों देशों को भा रहा है। आखिरकार एससीओ की मीटिंग में कश्मीर का राग क्यों, देखिए उस रिपोर्ट में। एससीओ समिट का मंच सज चुका है, आज और कल इस समिट का बेहद खास दिन होने वाला है। समिट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान के भारत के खिलाफ नए कुचक्र सामने आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर साझा बयान। दोनों देशों ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिखावटी वकालत की है। साझा बयान में सभी लंबित विवादों के समाधान की बात कही गई। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा जहां परखा जाएगा हर दावा, किसके दावे में दम, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।